गोरखपुर पुलिस ने एक साल में 200 बदमाशों के हिस्ट्री शीट खोलकर दोहराशा तक जमाया है। 1 जुलाई 2022 से 21 अगस्त 2023 तक गोरखपुर के विभिन्न थानों में एक्टिव 200 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। इसमें पिछले साल 65 और इस वर्ष 135 हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसमें सबसे अधिक हिस्ट्री शीट पिपराइच में 16, गुलरिया में 15 और राजघाट में 14 अपराधियों की दुराचारी घोषित करते हुए उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। आपको बता दें कि दुराचारी को हिस्ट्री शीट बोला जाता है। दुराचारी बनाए गए बदमाशों के इतिहास की हिस्ट्री शीट होती है। एक्टिव बदमाशों की निगरानी के लिए उन्हें दुराचारी घोषित किया जाता है। हर दुराचारी की निगरानी के लिए एक एक बीटी सिपाही की ड्यूटी लगाई गई है। नियमों के मुताबिक दुराचारी को सप्ताह में एक बार थाने या चौकी पर आना हाजिरी भी देनी होती है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बदमाशों को दुराचारी घोषित करते हुए उनकी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। एक साल में विभिन्न थानों में 200 अपराधियों की ए टाइप हिस्ट्री शीट खोली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर में शासन के निर्देशानुसार जो आदतन अपराधी हैं, जिनकी काफी आपराधिक हिस्ट्री है, उनके ऊपर लगातार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। उसी के क्रम में अपराधियों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर एक्ट 14(1) में संपत्ति का जब्तीकरण, हिस्ट्री शीट, गुंडा इत्यादि की कार्रवाई लगातार पिछले एक वर्ष से चल रही है। पिछले एक वर्ष से जुलाई 2022 से लेकर के अभी अगस्त 2023 तक कुल 200 ऐसे अद्यतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिनके ऊपर पूर्व के मुकदमे हैं, वर्तमान में भी वो सक्रिय हैं। सभी थाना प्रभारियों को बड़ी कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर पूर्व के मुकदमे हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। बीपीओस को भी लगातार उनके ऊपर नजर रखने के और हर संडे ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को थाने पर बुला के उनसे पूछताछ करने के निर्देश भी किए गए हैं। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति इस तरह की हिस्ट्री शीट जिसकी खुली हुई है, अगर वो दोबारा अपराध करता है, उस पर निगरानी रखने के लिए जिनको नोडल बनाया गया है, उसके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। आगे चल कर भी अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। गैंगस्टर, हिस्ट्री शीट, 14(1), संपत्ति जब्तीकरण, गुंडा एक्ट, इस तरह की विभिन्न कार्रवाइयां आगे भी अपराधियों के ऊपर लगातार जारी रहेगी।